बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद करीम तारिक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इट्स करीम। तो जी, आज का व्लॉग जो है शुरू करते हैं। इतवार का दिन है, काफ़ी दिनों के बाद मैंने ट्राईपॉड पकड़ा है। पिछले दो तीन व्लॉग मैंने बनाए हैं मगर ट्राईपॉड के बगैर ही। और आज मेरे ख्याल में मैं तीन दिन के बाद लास्ट व्लॉग जो था मैंने बनाया था। कब बनाया था? जुमरात को बनाया था और जुम्मे को या हफ्ते को अपलोड किया था। तो अभी जी फ़िलहाल मैं बनाया हूँ। और आजकल जो है ना, धूप मज़े की लगने लग चुकी है, पता नहीं क्या है। तो अभी मैंने सोचा कि जो कंबल में बैठना है, वो बंदा बाहर जाके धूप पे बैठता है। तो अभी मैं नहाया हूँ, ज़ोर की नमाज़ पढ़ी ऑल टाइम तकरीबन 2:30 हो गई हैं। तो अभी मैंने खाना खाना है। अभी मैं सोच रहा हूँ खाना खा के और फिर आता हूँ और फिर कुछ करते हैं। शोर आ रहा होगा, ट्यूबवेल चल रहा है, उसको आज झटके लग रहे हैं जैसे जल्द इसमें आ गया हो, मगर ऐसा कोई सीन नहीं है, पता नहीं क्या है। तो अभी मैं ज़रा खाना वगैरह खा लूँ, उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के फिर मिलते हैं। कब मिलते हैं ये मुझे भी नहीं पता। तो अभी खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं। तो जी अभी ये है खाना, गोभी वाले चावल और ऊपर चिकन। तो साथ लाइटर है, जिसने खाने हैं आ जाओ। सो बिस्मिल्लाह, ये पंजाबी का वर्ड है मगर हम उर्दू में यूज़ कर रहे हैं। तो जी अभी असल की नमाज मैंने पढ़ी है। अभी मैं ये देखा, ये मतलब स्टाइल है स्टाइल। तो असल की मैंने नमाज भी पढ़ लिया, चाय वगैरह पिया, अभी मैं आ गया हूँ बाहर। और अभी यहाँ पे बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। अच्छा, व्लॉग बनाने पे दिल है मगर ये नहीं समझ आ रही कि मैं कैसे व्लॉग बनाऊँ, क्या व्लॉग बनाऊँ, क्यों बनाऊँ या क्या करूँ। गिव मी आइडिया इन पता नहीं किधर। तो सवाल कुछ ये है कि आप मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? नहीं, मैं किससे पूछ लूँ, मैं पागल हो गया हूँ। जो मेरा लास्ट व्लॉग था उस पर 18 व्यूज आए हुए हैं, तो मैं किससे पूछ लूँ कैसा था मजाक मेरा। मकसद कुछ ये है कि व्यूज़ नहीं आ रहे, बताओ मैं क्या करूँ। गिव मी आइडिया, मगर फिर मैं कहता हूँ मैं किससे पूछ लूँ, भाई मैं पागल हो गया। तो अभी सीन कुछ ये है कि फिलहाल वेले बैठे हुए हैं। क्या कौन सी आई ने किसको फोन किया? दोस्त को। तुमने मुझे कोई कहा है? किसको कहा था? मुझे। तो ये किसी अपने चक्कर में था कि मेरे बेली को फोन करो कि आई ने। मेरे अबू जो हैं वो इसके बेली हैं, बेली मीन्स दोस्त। तो ये बात अपना क्लियर कर रहा था कि पीछे से उसकी अम्मी आ गई। तो फिर मैंने वीडियो बंद की, तो वो अपने काम में था कि कॉल करो, उसने कोई हाई नेक लेनी है। तो वो तो सीन अभी कुछ ये है कि वो जो है ना, क्या कहते हैं, अभी उसको कॉल कर दिया। अभी सनसेट हो रहा है मेरा। यार इसको क्या है, अजीब लगती है। तो दिल मेरा अभी ये कर रहा है कि टाइम लैप्स लैप्स होते हैं या लैप होते हैं, ये मुझे भी नहीं पता। तो अभी मेरा दिल है कि इसको मैं बनाऊँ। ये शायद अफरीदी का पोतरा इधर आ गया, तो ये पंजाबी का लफ्ज है। तो अभी मेरा दिल है टाइम लैप्स बनाए जाए, सनसेट हो रहा है। तो फिर और कुछ है नहीं, तो हम यही करते हैं। आएँ फिर जी, लेट्स गो एंड मिलते हैं फिर सनसेट के बाद इंशाल्लाह। एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे, मैं हैवान बन गए। तो जी सीन कुछ ये हुआ है, टाइम लैप्स बन ले थे, अंदर कॉल आ गई। तो अभी दिल नहीं कर रहा टाइम लैप्स बनाने पे। व्लॉगिंग के लिए ना दो मोबाइल हो चाहिए, जो एक मोबाइल जो है ना वो बंदा एरोप्लेन पे लगा दे, बिकॉज सॉरी फ्लाइट मोड पे लगा दे। बिकॉज अगर मैं ये मोबाइल फ्लाइट मोड पे लगाऊं तो मेरे ये दो नंबर जो हैं पर्सनल नंबर हैं,
अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है या कुछ भी कोई भी सीन हो जाता है तो वो इस पर कॉल वगैरह नहीं होती है, तो फ्लाइट मोड पे बंदा नहीं लगा सकता। मैं वैसे लोग जो है रात को नंबर बंद कर देते हैं वगैरह वगैरह, सो मेरे अंदर ये आदत नहीं है, तो बस यही चक्कर है। फिलहाल उनके लिए आई थिंक दो मोबाइल होना चाहिए, तो ये मसला होता है। तो अभी फिर मगरिब के बाद मिलते हैं, जब अंधेरा हो जाएगा, सुकून होगा, जब मैं और आप होंगे और ठंडी गली होगी, और फिर बातें करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद इंशाल्लाह, अभी 10-20 मिनट तक टाक हो जानी है अजान, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो जी अभी मैं कहने लगा था असर की नमाज़ पढ़ ली, तो सॉरी मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, और अभी मैं बाहर आया हूँ और अभी बस वेला बैठा हुआ हूँ। सच मैंने कल व्लॉग बनाना था, सैजन देखो मेरा एक बार सर आया था, तो वो आपको दिखाना था, मगर मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बस वैसे दिल नहीं किया, बस सिंपल सी बात है, दिल नहीं किया। तो जब दिल ना करे तो फिर उस वो काम करने पे तो फिर बस क्या कह सकते हैं, तो इसलिए अभी बस फारक बैठा हुआ, तो फारक जस्ट हूँ, तो अभी बस देखते हैं क्या होता है। तो दिल नहीं था तो मैंने अभी आपको मैं वो उस वो जो पुलाव डक थी ना डरार से मैंने मंगाई थी, यार मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। मैं इस पर सेपरेटली वीडियो बनाऊँगा थोड़े अच्छे बाद, तो आप भी उस वीडियो को फॉलो कीजिएगा और ऑनलाइन शॉपिंग कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप कोई मतलब आपको प्लॉट वगैरह नहीं होगा, कोई ऐसा चक्कर नहीं होगा। तो पहले मैं भी ऐसे ही चलता था, यार ये वो वगैरह वगैरह, तो फिलहाल कोई नहीं इतना खास। मुझे एक वो ट्राईपॉड जाल मैंने उसने कराया था, उसकी बस मेरी अपनी गलती की वजह से, तो बस फिलहाल तो ये सीन है। अभी आप उसकी तस्वीरें देखें आप की तारीफ में क्या कहें। तो जी आपने तस्वीरें देखी उसकी, अभी चेक कीजिए क्या होता है क्या नहीं। ये प्रोडक्ट थी अच्छी थी, बहुत गुड, जिस प्राइस रेंज के हिसाब से बेस्ट हेयर ड्रायर था, सो आई लाइक इट। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, लेट्स सी। तो जी आज का व्लॉग बस इतना ही था, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बस आज यही हुआ जो आपको दिखा दिया, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा बहुत सारा प्यार, और अभी तक वीडियो देखने का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अभी शेयर करें ज़रूर, दुआ में याद रखिएगा बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।